हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ फायरलेस स्नैक रेसिपीज़ एंड स्वीट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप इजीली बहुत कम समय में 2 से 3 मिनट के अंदर बना के सभी बच्चे बड़े सभी को खिला सकते हैं, और ये सभी जनरेशन को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मोनाको चाट। तो मोनाको चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मोनाको बिस्किट्स लिया है, और सबसे पहले हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे सैंडविच स्प्रेड, कोई भी सैंडविच स्प्रेड जो आप प्रेफर करते हो। इसको स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं रख देती हूँ बॉइल्ड आलू, उसको मैंने कट कर लिया है। तो आलू रखने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी प्याज, एंड प्याज डालने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी टमाटर कट करके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियोज़ लाऊं आप वो देख सको। एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड ईजी लगे एंड ये सारी जो रेसिपीज़ है आपको यूज़फुल हुए तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर देना, और अगर आप किसी के साथ शेयर भी करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। इसके ऊपर टमाटर रखने के बाद लास्ट स्टेप है, इसके ऊपर हमें डालनी है नमकीन। तो कोई भी नमकीन जो आप प्रेफर करते हो, जो आप पसंद करते हो, आप वो नमकीन इसके ऊपर डाल सकते हो। आप चाहे वो आलू भुजिया डालो, या फिर पंजाबी तड़का, या फिर मिक्सचर, जो भी नमकीन आप प्रेफर करते हो इसके ऊपर बस लास्ट स्टेप में डालना है, और फिर ये बन जाता है। आप इसको 2 मिनट के अंदर ही बहुत ईजिली बना लोगे, और ये बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आप इसको कभी कभी स्टार्टर में भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप घर में कुछ पार्टी फंक्शंस हो रहा है तो आप इसको स्टार्टर में भी बना के खिला सकते हो गेस्ट को। और वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको इस तरह का 7 रेसिपीज़ बताने जा रही हूँ। कुछ स्वीट रेसिपीज़ होंगी एंड कुछ स्नैक्स रेसिपीज़ होंगी, और कुछ ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ भी होगी। तो आप ज़रूर से देखना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर देना। तो अभी हमारा पहला फायरलेस स्नैक रेसिपी कंप्लीट हो गया, अभी हम दूसरा रेसिपी बनाते हैं। जो हम दूसरा फायरलेस रेसिपी बनाएंगे वो है भेलपूड़ी। भेलपूड़ी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इसको बनाने में जो ज़्यादा टेस्ट आती है वो आती है अचार से। तो आप जब भी भेलपूड़ी बनाओ तो इसमें ज़रूर से कोई भी अचार, और इसकी जो अचार की जो तेल होती है वो ज़रूर से डालिए, इसकी टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ कुछ बॉयल्ड आलू है, उसको मैंने कट कर लिया था, वो मैं डाल देती हूँ इसमें। और इसमें थोड़ी सी प्याज कट करके डाल देते हैं, और थोड़ी सी टमाटर कट करके डाल देते हैं, और अगर आप चाहो तो अभी आप थोड़ी सी हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हो, पर मैं ये सभी जनरेशन के लिए दिखा रही हूँ इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर या फिर हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है। पर अगर आप एडल्ट लोगों के लिए बना रहे हो तो आप ज़रूर से हरी मिर्च कट करके डाल सकते हो, या फिर लाल मिर्च पाउडर, पर हरी मिर्च डालने से ज़्यादा इसकी टेस्ट अच्छी होती है। और फिर हमें इसके ऊपर डालनी है कोई भी नमकीन। मैंने पहले मिक्सचर डाला और फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया पीनट्स, जो पीनट्स के पकोड़े आते हैं उसी को मैंने डाल दिया। तो आप कोई भी नमकीन जो आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हो, और फिर इसको मिक्स कर लेना, और बन के रेडी हो गया हमारा भेलपूड़ी। ये भी बस 2 मिनट में ही बन के रेडी हो जाता है, ये सभी को पसंद आता है। और जो नंबर थ्री है हमारा बिस्किट से हम बनाएंगे स्वीट्स। तो ये है पहला स्वीट जो है बिस्किट पेड़ा। तो बिस्किट पेड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 9 से 10 बिस्किट लिया है। मैंने यहाँ पर ब्रिटानिया बिस्किट का यूज़ किया है। अगर आप कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप चॉकलेट बिस्किट का यूज़ करना चाहते हो तो मैं आगे जाके इसमें कोकोआ पाउडर डालने वाली हूँ। आप अगर चॉकलेट बिस्किट का यूज़ कर रहे हो तो कोकोआ पाउडर मत डालिएगा। तो अभी ये मिक्सी के जार में डाल के मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो अभी इस पाउडर को हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो सारा पाउडर हम मिक्सी के जार में से प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और फिर इसमें डाल देते हैं 1 स्पून जितना कोकोआ पाउडर। अभी कोकोआ पाउडर को ये बिस्किट पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर अगर आप चॉकलेट बिस्किट ले रहे हो तो कोकोआ पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 स्पून जितना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसका एक डो बनाएंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उस तरह का। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के इसका एक डो बना लेंगे, और एक साथ सारा दूध मत डाल लीजिएगा वरना ये बहुत रनी हो जाएगा और हम इसको पेड़ा सेप नहीं दे पाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेगा और फिर इसको गूंध लीजिएगा। तो मैंने इसको अच्छे से गूंध लिया था, पर ये क्या हो रहा है, हाथ में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, बहुत स्टिकी हो रहा है। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ड्रॉप से घी डाल देते हैं ताकि ये हाथ में बिल्कुल चिपके ना, और थोड़ा सा शाइनी एंड ऑयली जैसा हो जाए। तो अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी ड्रॉप डाल देती हूँ। तो घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल शाइनी एंड ऑयली जैसा हो जाए और हाथ में बिल्कुल चिपके ना। तो अभी मैंने ये छोटे प्लेट से लाके ये बड़े प्लेट में रख दिया ताकि मैं जो भी अभी पड़ा बनाऊँ यहीं पर ही रख दूँ इसको। तो अभी छोटा छोटा टुकड़ा इससे लाइए और उसको पेड़ा सेप दे दीजिए। तो बस अभी ये एक मैंने बना लिया, इस तरह से मैं और बाकी सारा बना लूँगी। बस हाथ से इस तरह से गूंदना है और फिर इसको पेड़ा सेप में कन्वर्ट कर देना है थोड़ा सा प्रेस करके,
तो अभी ये पेड़ा हमारा बन के रेडी हो गया है। बस इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए आप इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा मिल्क पाउडर रख दिया है, तो अगर आप चाहो तो मिल्क पाउडर भी रख सकते हो। अभी हमारा जो नंबर 4 वाला रेसिपी है वो है बिस्किट स्विस रोल, मतलब जो हमने डो बनाया था ये अभी पहले वाली वीडियो में, जो हमने पेड़ा बिस्किट बनाया था उसी का जो डो हमने बनाया था, उसी डो को हम इस तरह से हाथ से फ्लैट कर लेंगे, और फ्लैट करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, और फिर मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको हम रोल कर लेंगे, और रोल करने के बाद हम इसको देखिए इस तरह से हमें रोल कर लेनी है, और फिर इसको इवनली इस तरह से चारों तरफ जैसे अच्छे से रोल हो, कोई मोटा पतला ना रहे, तो इस तरह से थोड़ा सा हल्का हल्का सा रोल कर लेते हैं। और फिर हमें क्या करना है, दोनों साइड को इस तरह से बस इवन कर देनी है, और फिर हम इसको कट कर लेंगे अभी पीसेस में, और फिर ये बिल्कुल इस तरह से आपको दिखने लगेगी। ये हो गया हमारा बिस्किट स्विस रोल रेडी। तो आप इसको इजीली 2 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं, मतलब 1 मिनट के अंदर भी आप बना सकते हो अगर आपके पास डो है, तो ये बहुत इजीली बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं हमारी नंबर 5 की तरफ। तो हमारी जो नंबर 5 फायरलेस रेसिपी है वो है मोयो सैंडविच। तो हमें चाहिए मेयोनीज, एंड मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ लिया है जैसे कि गाजर, बीट और कैबेज और कुछ प्याज। तो आप इस तरह से चाहो तो क्यूक्यूम्बर भी कट करके ले सकते हो। तो बस हमें चाहिए मेयोनीज, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी मेयोनीज ले लेती हूँ, और फिर इस मेयोनीज में मैं डालूँगी जो सब्जियाँ मैंने कट करके रखा है, वो सब्जियाँ मैं इस मेयोनीज के अंदर डाल दूँगी, और फिर इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर ये सैंडविच के मतलब ये ब्रेड के अंदर हमें रखनी है, और फिर इसको सैंडविच जैसे बनाना है। मतलब मैं बता देती हूँ कैसे बनाना है। पहले मैंने ब्रेड का जो चारों तरफ का हिस्सा था वो मैंने निकाल लिया है, ताकि खाने में थोड़ा अच्छा लगे और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट लगे। तो अभी मैं इसके अंदर रख देती हूँ ये जो हमने मेयोनीज वाला पेस्ट बनाया है, इसको रख देते हैं, और फिर ये जो दूसरा ब्रेड है हम इसके ऊपर रख देंगे, और फिर इसको थोड़ा हल्का सा प्रेस करके हम मिडिल में से कट कर लेंगे। मतलब आप ट्रायंगल शेप दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो रेक्टेंगुलर शेप में भी कट कर सकते हो। बस इस तरह से रख के हल्का सा प्रेस करके फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में कट कर लेंगे। आप इसको 2 मिनट में बना के बच्चे बड़े सभी को खिला सकते हो। और इसके साथ मैंने डिप में रखा है थोड़ा सा टमाटो केचप एंड थोड़ी सी मेयोनीज। तो अगर आप डिप के साथ खाना पसंद करते हो तो आप टमाटो केचप या फिर मेयोनीज के साथ खाइए। अगर आप डिप के साथ पसंद नहीं करना चाहते हो खाना इसको, तो आप इसको ऐसे ही खाली खा सकते हो। तो बस हमारा रेडी हो गया हमारा सैंडविच। अभी हम चलते हैं हमारा नंबर 6 की तरफ, वो है हमारा मेयोनीज पिनहोल्स। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा ब्रेड है उसको हम फ्लैट कर लेंगे एक बेलन की मदद से, उसको हम अच्छे से बेल लेंगे, और ये इसको बिल्कुल इस तरह से हम थिन बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 ब्रेड को लेके इसका पिनहोल्स बनाने वाली हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बनाना है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा ब्रेड्स ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड लेके उसको इस तरह से बेल के थिन बना लिया है, और फिर मैं इसको एक के साथ एक को जॉइंट करूँगी। तो जॉइंट कैसे करूँगी, जो मेयोनीज है उसको बस एक के ऊपर रख देनी है, एक ब्रेड पीस के एंड साइड में रख देनी है, और इसको इस तरह से स्प्रेड कर लेना है, और फिर दूसरा जो ब्रेड है उसका एंड को इसके एंड के साथ बस इस तरह से पेस्ट कर देनी है, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने पहले वाले सैंडविच बनाए थे मेयोनीज सैंडविच, उसमें जो जो सब्जियां डाल के हमने बनाया था मेयोनीज वाला पेस्ट, उसमें हम इसके अंदर डाल देंगे, और फिर हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे अच्छे से। और अगर आप चाहो तो जो प्लास्टिक वाली रैप आती है ना, पूरा पतला वाला जैसा, आप उससे इसको रोल करके थोड़ी देर आप फ्रिज में रख सकते हो, और फिर इसके बाद आप उसको निकाल के, मतलब थोड़ी देर रखने के बाद उसको निकाल के आप इस तरह से कट भी कर सकते हो। पर मैंने यहाँ पर बहुत कम टाइम में दिखाने की बात कही थी, तो मैं बस अभी इसको कट कर ली, और ये बिल्कुल हमारा मेयोनीज पिनव्हील्स बन के रेडी है। ये भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो आप इसके साथ भी वही डिप यूज़ कर सकते हो, टमाटो केचप एंड थोड़ी सी मेयोनीज। तो बस ये अलग स्टाइल से बन गया, पर सारा मिक्सचर जो भी यूज़ हमने किया है वो हम जो मेयोनीज सैंडविच में यूज़ किए थे वो सारा इसी में हमने यूज़ किया है, बस ये थोड़ा सा स्टाइलिश दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है।
तो हमारी फायरलेस रेसिपी की जो लास्ट रेसिपी है वो है पीनट लड्डू। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है, आप इसको कोई भी ओकेज़न में बना के खा सकते हो, या फिर अगर आपको मीठा खाने को क्रेविंग्स हो रहा है तो आप इसको बहुत इजीली बस 2-3 मिनट में बना के खा सकते हो। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ बाउल से थोड़ा ज़्यादा ही पीनट्स लिया था, और 1/4 बाउल जितना शक्कर, और 2 इलायची, वो मैं मिक्सी के जार में डाल के इन सबको मैं पीस लेती हूँ। तो लड्डू बनाने के लिए हमारा पाउडर बनके रेडी हो गया है, तो अभी हम ये पाउडर को एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और फिर हम इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसको बाइंड करने की ट्राई करेंगे, मतलब लड्डू के शेप देने को ट्राई करेंगे। तो हमें पहली बारी में ज़्यादा घी नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और फिर हम इसको मिक्स करते जाएंगे, और जब हमको लगेगा कि हाँ हम इसको अभी लड्डू का शेप दे सकते हैं, हमें और घी नहीं डालना है, वरना ये पूरा रनी हो जाएगा और फिर हम इसको बाइंड नहीं दे सकेंगे और हमारा लड्डू नहीं बन पाएगा। तो बस देखिए अभी ये लड्डू बनने के लिए तैयार है, इसमें बाइंडिंग हो रहा है। तो अभी मैं इसका बस थोड़ा सा टुकड़ा लेके इसको हम लड्डू जैसा हाथ में गोल बना लेते हैं और फिर इसको रख देते हैं, और इस तरह से हम सारा लड्डू बना लेंगे। और मैंने इसमें जो इलायची डाला था वो बिल्कुल ऑप्शनल था, वो मैं बस फ्लेवर के लिए डाली थी, और बहुत सारे लोगों को इलायची नहीं पसंद आती है, उसकी फ्लेवर पसंद नहीं होती है, तो आप इलायची बिल्कुल स्किप कर सकते हो। इलायची बस फ्लेवर के लिए मैं डाली थी, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। ये बस 3 चीज़ों से बन के रेडी हो जाता है जो हमारा पीनट वाला लड्डू है, वो है पीनट, शक्कर एंड घी, दैट्स इट। ये बहुत टेस्टी होती है, आप एक बार जरूर से बनाइए, और ये सारी रेसिपीज़ आप कभी ट्राई करिए और फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा इसका टेस्ट, और घर पर सभी को पसंद आया कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड आपको मेरी सारी रेसिपीज़ ईजी लगा है, तो प्लीज़ ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एन्जॉय। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फूड एंड स्टाइल एक्सपेरिमेंट्स, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी अपनी लाइफ एंड थोड़ी थोड़ी अपने हैबिट के